In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Asalaamu As Alaikum, everyone. Welcome to my channel, Learning with Anila Khatri. Today, I am going to translate paragraph number 4 of chapter number 10, A World Without Books. This is a very short paragraph and the easiest one. So, let's get started. Books are a source of comfort for us. किताबें हमारे लिए सुकून का एक जरिया है सोर्स जरिया कंफर्ट सुकून राहत बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस किताबें हमारे लिए सुकून का एक जरिया है यह हम कह सकते हैं कि किताबें हमारे लिए राहत हासिल करने का एक जरिया है थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू आउट मुकम्मल सारी थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री सारी इंसानी तारीख में

तेरी कामों में अमन पाया है बुक्स आर ब्रिजेस किताबें पुल हैं, ब्रिज पुल बुक्स आर ब्रिजेस किताबें पुल हैं थ्रू देर पेजेस जिनके सफात के जरिए वी मेक हम बनाते हैं आर कॉन्टैक्ट अपना रास्ता, विद सोसाइटी मुआरे के साथ

बेहतर तौर पर तैयार होते हैं टू फेस द वर्ल्ड दुनिया का सामना करने के लिए देन दोज उन लोगों की निस्बत हु डोंट रीड जो नहीं पढ़ते दोज हु रीड मोर आर बेटर प्रिपेयर टू फेस द वर्ल्ड देन दोज हु डोंट रीड वो लोग जो ज्यादा पढ़ते हैं दुनिया का सामना करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होते हैं उन लोगों की नस्बत जो नहीं पढ़ते देखिए यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंश किया जा रहा है दोनों चीज़ों को एजुकेटेड सोसाइटी को और अनएजुकेटेड जो है सेगमेंट को राइट right? दोनों को डिफ्रेंश किया जा रहा है कि वो लोग जो ज़्यादा पढ़ते हैं जो ज़्यादा तालीम हासिल करते हैं वो दुनिया का सामना करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होते हैं उन लोगों की नस्बत जो कि नहीं पढ़ते Right. This is all about paragraph number four. Although this is a short video, but I hope it's clear to all of you. But still, if you have any questions, you can ask me in comment section or you can email me. Um. Thank you so much for watching my video and be with me for the translation of next paragraph. Thank you.